एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाएंगे छोटे आलू की सूखी और मसालेदार सी सब्जी, जो कि बहुत आसानी से बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए देखेंगे उसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक मसाला बनाऊंगी, जिसमें कि मैंने डाला है ज़ीरा, आधा चम्मच यहाँ पर लिया है मैंने यहाँ पर मोटा धनिया, और थोड़ी सी यहाँ पर मैं डालूँगी सौंफ, दो से चार आप ले लीजिए काली मिर्च, कम भी ले सकते हैं, एक दो ले लीजिए, और थोड़ा सा मैंने लिया है दालचीनी का टुकड़ा। बस इन सबको बहुत अच्छे से भूनना है, बहुत अच्छी अरोमा इसमें आती है अच्छे से भून के, और इसको हमें पीस के इसका पाउडर बनाना है। तो हल्का सा इसको ब्राउन करना है, और ब्राउन करने के बाद बस इसमें बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है, और इसको अब हमें पीस लेना है। आप मिक्सी में पीस लीजिए, और किसी भी चीज़ में आप इसको क्रश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें कर रही हूँ, इसमें ये बहुत बारीक भी नहीं होगा और बहुत अच्छा सा ये इसमें कुट जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पर पीस लिया है, बहुत बारीक भी नहीं है और बहुत ही ये मोटा भी नहीं है, इतना आप इसको पीस लीजिए। तो चलिए अब हम बनाते हैं आलू की सब्जी। तो कढ़ाई में मैंने यहाँ पर तेल डाला है, दो चम्मच मैं यहाँ तेल डालूंगी, और तेल गरम हो जाए यहाँ पर तो फिर मैं डालूंगी यहाँ पर थोड़ा सा जीरा। जीरा डाल लीजिए आधा चम्मच, आधा चम्मच डाल लीजिए यहाँ पर सरसों के दाने, या फिर आप राई भी डाल सकते हैं, और इनको अच्छे से चटकने दें। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी आलू। तो ये जितने भी आलू हमने बॉईल किए हैं, हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो आलू है हमारे बिल्कुल गर्म नहीं होने चाहिए, नहीं तो ये फूटने लग जाएंगे। आलू को अच्छे से बॉईल करने के बाद इनको अच्छे से ठंडा कर लें, और तभी उसके बाद इसको फ्राई करेंगे। तो अभी हमें इन आलू को बहुत अच्छे से फ्राई करना है, जब तक कि ये अच्छे से क्रस्ट नहीं हो जाते, इन पर एक गोल्डन ब्राउन टेक्स्चर नहीं आ जाता इनका। तो इसको लगने में कम से कम 5 से 10 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। तो बस अभी हमें इसको भूनते रहना है, जब तक ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाएंगे। बस एक ब्राउन कलर का क्रस्ट आ जाना चाहिए इन आलूओं पर। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ करी लीव्स, ये मेरे पास ड्राई करी लीव्स हैं, आपके पास अगर फ्रेश हो तो वो भी डाल सकते हैं, और शुरू में भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर बाद में डाले हैं, आप इनको शुरू में भी डाल सकते हैं। तो बस ये डालने के बाद इनको अभी मुझे और भूनना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आलू हैं हल्के ब्राउन हो गए हैं, इनमें बहुत अच्छा सा क्रस्ट आ गया है। इतना ही रखना है इनको, बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने आलू को भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में मैं सबसे पहले डालूंगी जो मसाला मैंने बनाया था, दो चम्मच भर के ये डाल दीजिए मसाले का, और मसाला डालने के बाद इसमें जो रूटीन के मसाले होते हैं वो डालेंगे। जैसे हल्दी डाली है मैंने यहाँ पर थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दीजिए, धनिया पाउडर डाला है थोड़ा, थोड़ा सा डाल दीजिए एंड में नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और इन सभी चीज़ों को डाल के इसको अच्छे से चलाना है। थोड़ा सा इसमें अमचूर भी मैं डालूँगी, तो यहाँ पर मैंने डाला है थोड़ा सा आमचूर, और बस इनको बहुत अच्छे से चलाना है। तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं ये आलू, आप इनको एज ए साइड डिश भी बना सकते हैं, और बच्चों के लंच के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। आप इनको बच्चों के लंच में या टिफ़िन रेसिपी बहुत अच्छी है ये, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इन आलू को। तो यहाँ पर हमारे जो आलू की सब्जी है वो बिल्कुल बन के तैयार है। और एंड में मैं डालूंगी थोड़ा सा घी, घी डालने से थोड़ी सी सब्जी में शाइनिंग आ जाती है, टेक्सचर अच्छा हो जाता है। तो सूखी सब्जी में नॉर्मली वैसे भी हम लोग बाद में घी डालते ही हैं, तो आप देख सकते हैं इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा हो गया है। और इसको अच्छे से चलाना है, और सब्जी हमारी बन के तैयार है। तो आप लोग भी ये सब्जी ज़रूर बनाइए, और मेरे साथ शेयर कीजिए कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो आई होप कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। एंड में मैंने डाला है थोड़ा सा धनिया, और बस अब हम इसको सर्व कर लेंगे।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।